व्यूअर्स, अगर आप किसी ऐसे जॉब में जाने की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आंखों की जांच होती है और उसमें ये देखा जाता है कि आपकी आंखों का विज़न 6x6 है या नहीं, तो अगर ये काम आप अपने घर पे करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। आप भी अपने घर पर अपनी आंखों को जांच सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन किया है कि सर हमें डिस्टेंस बताइए कि अगर हमारे पास इस तरीके का चार्ट है तो हम उसे कितनी दूरी से चेक करें, यानी अपनी आंखों को कितनी दूरी से जांचें जिससे ये पता चले कि हमारा विज़न 6x6 है, यानी जब हमारा मेडिकल हो तो हम उसमें आसानी से पास हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक बार बताया भी था, कमेंट ऑप्शन में भी कमेंट किए थे कि हमें इसके लिए 20 फीट की दूरी चाहिए होती है, लेकिन फिर उसमें रिवर्स कमेंट मुझे ये मिले कि नहीं, मीटर कितना होता है, तो फिर इसके लिए 6 मीटर्स होता है, तो फिर लोगों के कन्फ्यूज़न उसमें है कि नहीं सर मीटर में नहीं, मुझे फिट में बताइए। तो फिर मैंने उसमें रिप्लाई किया था कि इसमें 20 फिट होता है। तो इसलिए आज आप इसको खूब अच्छे से क्लियर समझ लीजिए कि 6 मीटर्स या फिर 20 फिट, अगर आप 6 मीटर को भी कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 19 पॉइंट समथिंग में वो 20 फिट के ही आसपास है। तो माना यह जाता है कि जब हमारे पास इस तरीके का अगर चार्ट है और जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे चार्ट है, तो मेरी जो दूरी है इस चार्ट से वो 20 फिट होनी चाहिए, यानी मैं जहाँ खड़ा होऊंगा और जब मैं ऐसे टर्न होकर अपनी आंखों की जांच करूँगा तो वो दूरी उस चार्ट से मेरी दूरी 20 फिट होनी चाहिए। इसको नापने के लिए हम जो घर में आमतौर पर हमारे पास जो स्केल होता है 1 फिट वाला, हम उससे भी 20 फिट नाप सकते हैं, या फिर हमारे पास रूम ऐसे होते हैं घरों में, कोई 20x20 का रूम है तो उसमें भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास आंगन है, ओपन स्पेस है, तो उसमें भी हम 20 फिट को नाप लें और उसके बाद ये स्नेल चार्ट हम वहाँ पर लगाएँ और फिर अपनी आँखों की जाँच करें। अगर हमारे पास स्केल नहीं है या कोई जांचने के ऐसा छोटा मेज़रमेंट नहीं है तो फिर हमारे पास बड़े फीते होते हैं, हम उससे भी फिट में भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हम उसमें मीटर के भी निशान लगे होते हैं, हम उससे उसको नाप सकते हैं। तो चाहे आप उसे मीटर में नापिए या फिर आप उसमें फिट में नापिए, बात वही है, एक ही बात डिस्टेंस की है कि चाहे 6 मीटर की डिस्टेंस हो या फिर हमारे पास 20 फिट की डिस्टेंस हो, तो इस चार्ट से आपकी आंखों की दूरी, यानी जहां आप खड़े हैं उसकी दूरी 20 फिट होनी चाहिए। अगर आप इस चार्ट को 20 फिट की दूरी से इसकी जो लास्ट लाइन होती है उसे आसानी से पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है आपकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और आपको मेडिकल में कोई नहीं रोक सकता, आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप बिल्कुल आराम से मेडिकल क्वालिफाई कर लेंगे। एक क्वेश्चन इसमें ये भी रहता है कि ये जो चार्ट है क्या मुझे इसी से बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए सर, या मुझे कोई दूसरे से प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो एक बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जो ये पीछे चार्ट है, अगर आप इस चार्ट की लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं या इस जैसे किसी भी चार्ट की लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं, तो बात तो वही है, आप कोई से भी चार्ट की लास्ट लाइन आराम से पढ़ लेंगे। तो ये मैटर नहीं है कि आप कौन से चार्ट से तैयारी करें, कि पता चला मेडिकल में आपने तैयारी की किसी चार्ट से और आ गया कोई दूसरा चार्ट, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी एक चार्ट से आप अपनी आंखों की जांच करिए और अगर आप किसी भी चार्ट से जांच करने पर लास्ट की लाइन आराम से पढ़ लेते हैं तो मतलब ये है कि आप आराम से मेडिकल के लिए फिट हैं, इसमें आपको आगे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये बताया पहले भी था, शायद आपको ना पता हो, लेकिन इस बार फिर रिपीट करते हैं कि ये जांच जो चार्ट से आप करना चाहते हैं, ये आप अपने नज़दीकी जो जिला अस्पताल है या फिर नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है आपका, जिसे हम कम्युनिटी सेंटर कहते हैं या फिर जिसे हम CHC कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, PHC की बात नहीं कर रहे, हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं जो आपके ब्लॉक में या तालुका में एक होता है, तो उस अस्पताल में जो आपके बहुत नज़दीक हो सकता है उसमें आप जाकर ये आंखों की जांच कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, आप जो भी वहाँ के हॉस्पिटल की टाइमिंग हो उस टाइमिंग में वहाँ पर जाइए और सिंपली वहाँ पर पर्चा बनवाइए 1 रुपये का या जो भी है वहाँ पर, और उसको जाकर अपनी आँखें वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आपको जाना कहाँ है, आप 2 जगह जा सकते हैं वहाँ पर, एक तो आपकी आई सेंटर्स भी बने हैं हर CHC पर, आप वहाँ भी उनसे संपर्क कर सकते हैं।
अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो सीधे किशोर स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, आपकी आँखें वहाँ पर आराम से चेक हो जाएंगी। वहाँ पर काउंसलर्स बैठे हैं, वो आपकी आँखों को जाँचेंगे कि आप क्या 20 फीट से ये चार्ट पढ़ सकते हैं या नहीं। ये बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल चिंता न करें। इस चार्ट को खरीदने की अगर नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने नज़दीक के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर ये चार्ट अवेलेबल हैं। वहाँ ड्रम अवेलेबल है, जो ड्रम टाइप में जो चार्ट होते हैं जिसमें चारों तरफ अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, जो अक्सर आप मुझसे पूछते भी हैं कि सी चार्ट या फिर ई चार्ट या फिर पॉइंट्स वाला, जो भी जिस भी तरीके से आप जानना चाहते हैं उस तरीके के वो चार्ट आपको मिलेंगे और आप वहाँ पर आसानी से इसकी जांच कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आप सीधे अपने जिला अस्पताल जाइए, वहाँ पर जाकर आप अपने किशोर स्वास्थ्य केंद्र पर वहाँ संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर इस चार्ट से अपनी आँखों को जाँच सकते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर अब आगे कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपको कि इस चार्ट से आपकी दूरी क्या होनी चाहिए, और ये बिल्कुल क्लियर है कि या तो 20 फिट होनी चाहिए या फिर 6 फिट होनी चाहिए। फिर आप एक चीज़ और भी याद रखिए कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, यानी जो आपके कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर जाइए, ये फैसिलिटी आपको वहाँ मिलेगी और आप आसानी से वहाँ पर इसको जाँच सकते हैं। ब्लरी विज़न के बारे में आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं कि ब्लर विज़न अगर हमारा है तो हम क्या करें और ब्लर विज़न की समस्या को कम कैसे करें, क्या ये एक्सरसाइज से हमारा ठीक हो सकता है या नहीं सही हो सकता है, तो इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और जल्दी ही हम इसके भी आंसर लेकर आएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले अपनी आंखों के कलर विज़न की जांच एक बार ज़रूर कर लें। कलर विज़न के लिए आपको इस चैनल पर ही वीडियो मिल जाएगा। अगर आपने अपनी आंखों को चेक करना है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके कुछ लोग वीडियो नहीं देख पाए हैं पिछले वीडियोज़ में भी, तो उसका तरीका ये है कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं उस समय आपको स्क्रीन पर अपनी फिंगर को टच करना है। जैसे ही आप फिंगर को टच करेंगे आपके राइट हैंड साइड पर, यानी आपके राइट हैंड साइड पर आपको एक आई बटन दिखाई देगा और जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, यानी वहां पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे तो सीधे आप डायरेक्टली उसी वीडियो पर पहुंच जाएंगे। वो आई विज़न चेक करना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ ऐसे जॉब हैं जिसमें आंखों के कलर विज़न की भी जांच होती है, और अगर आप सारे कलर्स नहीं देख पाते हैं तो फिर उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि जिस भी जॉब में आप जाने की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आप अपने आँखों के कलर विज़न की भी जाँच कर लें, जिससे कि जब मेडिकल हो तो आपको कोई टेंशन ना हो और मन में कोई शंका ना हो और डर ना रहे कि पता नहीं हम मेडिकल में क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। जब भी कलर विज़न की जांच होती है तो उसमें आपको बहुत कम समय मिलता है और एक इस तरीके की छोटी बुकलेट होती है जिसे इशारा बुक कहते हैं, और उस इशारा बुक में बहुत सारे पेजेस भी हो सकते हैं, कम पेजेस की भी हो सकती है, और उसमें कुछ सेकंड का आपको समय मिलता है। मीन्स अगर इस तरीके से आकर आप सामने दी जाती है वो बुक तो कहा जाएगा हाँ देखिए क्या लिखा है, तो उसकी डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट जो 16 से 25 इंच होती है वो होती है आँखों से उस बुक की दूरी, और हो सकता है आप टेबल पर चेयर और टेबल पर बैठे हों या हो सकता है आप खड़े हों और लाइन में आपसे आपकी आँखों को चेक किया जा रहा हो, जैसे कि आर्मी में कभी कभी होता है, तो उसमें ये डिस्टेंस रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि इस बुक को आप पढ़िए। जैसे ही आपके हाथ में बुक मिलेगी हाँ देखिए क्या है, और फिर पलट देंगे वो पेपर को, कहेंगे हाँ अब देखिए क्या है, पलट देंगे पेपर को अब देखिए क्या है, पलट देंगे पेपर को अब देखिए क्या है, तो उतने सेकंड में आपको 3 से 4 सेकंड में उसको पढ़ना है, समझना है और तुरंत की तुरंत बताना है। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि कलर विज़न की जाँच कैसे होती है, उसमें किस तरीके के नंबर्स होते हैं, तो आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए जिससे कि आप पहले से प्रिपेयर रहें और आपको पता रहे कि कलर विज़न में की भी जाँच होती है। कलर विज़न की जांच में कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने इस वीडियो में जो लिंक दिया है आपको उसमें जो नंबर्स दिए हैं सिर्फ नंबर ही हो, उसमें पैटर्न भी हो सकते हैं, हो सकता है उसमें ज़िगज़ैग डिज़ाइन हो, उसमें कुछ और इस तरीके की आर्ट टाइप की बनी हो और वहाँ पर जो मेडिकल टीम बैठी वो कहे कि आप इस जो डिज़ाइन बनाया उसको ड्रॉ करके दिखाइए हमें क्या डिज़ाइन बना है, तो अगर आप कलर देख सकते हैं तो डेफिनेटली आप उस नंबर को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से उसे बना सकते हैं और वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी टीम जो भी बैठी है वहाँ पर।
तो इसलिए यहाँ पर सिंपली हम दिखाना ये चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी आँखों को सारे कलर्स दिखते हैं नहीं दिखते हैं। अगर दिखते हैं डेफिनेटली बिल्कुल बेफिक्र होकर आप मेडिकल में जाइए, और अगर किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न हो रही है आपको इस वीडियो में जो कलर विज़न का है, तो फिर प्रॉपरली अच्छी जगह पर जाकर अपनी आंखों की सही से फिजिकल जाकर अपनी चेकअप कराना है उसका, जिससे कि आपको पता रहे कि मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आई थिंक सो कि आज की वीडियो में ये कई चीज़ें क्लियर हुई और मैं समझता हूँ कि अब आगे कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू स्माइल। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।